Daily Show with Muneer Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो काफी कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सिंध की तकदीर तब्दील हुई, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की तकदीर तब्दील हुई, लेकिन अगर तब्दील ना हुई तो सिंध के वासियों की तब्दील ना हुई। कामरान डिसोरी साहब के हल्फ उठाते ही बड़े सारे सवाल उठे, जहां पे एक जानब शादियाने बजाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं पर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के रिपोर्टेडली और अनरिपोर्टेडली बहुत से सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस तमाम डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये रातों रात तब्दीली हुई। दूसरी जानब अगर वफाक की बात करें तो जिस अंदाज से वफाक की सियासत में मजहब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, पहले हमने देखा कि जावेद लतीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनकी जानब से ये काम किया गया, और फिर आसिफ जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की जानब से जो काम किया गया, सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बात का तस्करा भी हो रहा है कि अगर पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान में जहां पे फ्रेजाइल सेंटिमेंट्स हैं, जहां पे इस्लाम का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना है क्योंकि मजहबी जज्बात को उभार के हम ना जाने किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि अगर पाकिस्तान की सियासत में देखें तो जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, वहां पर इस तरह के बयान का आना ये किसी भी तौर पर खुशाइन नहीं। दूसरी जानब खान साहब हर रोज एक नया जलसा कर रहे हैं और हुकूमत को कहीं ना कहीं एक टफ टाइम भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके साफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का इरादा रखती है, जहां पे वफाक में जो मौजूदा हुकूमत है वो इस्लामाबाद तक महदूद होती हुई नजर आ रही, तो वहीं पे तहरीक इंसाफ अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने आने वाले लाए अमल के लिए तैयार नजर आती है। क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा एहतजाज हो सकता है और इस एहतजाज का नतीजा क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की जो सफ़ों में ये इस बात सोची जा रही है कि अगर इस एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ ने घरों से कदम बाहर निकाले और आगे कुछ तब्दीली ना हुई, वो हरी झंडी जिसका इंतजार किया जाता है वो ना दिखाई गई, तो फिर मुश्किलात में जरूर इजाफा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कदम खान साहब को बंद गली की तरफ ले जाए। लेकिन दूसरी जानिब भी इस बात का खदशा है कि कहीं तहरीक इंसाफ अगर घरों से निकलती है और वहां पे एक बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब हो जाती है तो रातों रात जो मौजूदा हुकूमत है उसकी बिसात ही ना लपेट दी जाए। ये सारे सवाल अपनी जगह। आप प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जरा आएंगे और गुफ्तगू का आगाज करेंगे कराची की सूरत हाल से, सिंध की सूरत हाल से। बहुत कुछ हुआ, कामरान टिशोरी साहब के हवाले से बड़ी सारी डेवलपमेंट सामने आ रही है, गवर्नर सिंध बन गए, लेकिन सारे सवालात अभी भी जूं के तू नजर आते हैं। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा होता है गवर्नर सिंध का, कामरान टिशोरी साहब ने गवर्नर सिंध का हल्फ उठा लिया, लेकिन इस हल्फ उठाने के साथ ही बड़े सारे सवाल आते हैं। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है, क्या हिकमत अमली थी और किस सोच के जरिए कामरान टिशोरी साहब को वजीर गवर्नर सिंध के ओहदे पे तैनात किया गया, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असेंबली जनाब महबूब आलम साहब। सर, इनसे जानते हैं कि आखिर गवर्नरशिप तक का ये सफर कैसा रहा। महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महबूब साहब, क्या मुत्तहिदा गवर्नमेंट के सीनियर कारकुन की वर्कर की हैसियत से कामरान टिशोरी साहब को जब आप लोग ने गवर्नर देखा तो एक्सपेक्टेड था या कहीं ना कहीं आप लोग को भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था आपके लिए भी? देखिए, सरप्राइजिंग तो खैर आप कह सकते हैं कि पार्टी क्या सरप्राइजिंग, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बस मैं यही कहूंगा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो सर, ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है,
जब यहाँ पे 12 बजे रात को अदालतें खुल के फैसले हुआ करती हैं, तो बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड चीजें कुछ बाकी रहती नहीं है। बाकी है कि हमें खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, कि कामरान तिवारी भाई जो है ना, उन्होंने हल्फ उठाया गवर्नरशिप का, और पूरी कौम को सारी बातों को माइनस करें, अब हमें अच्छाई की तरफ देखना है इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और खुसूसी तौर पर कराची के लिए। एक गवर्नर और वफाक का जो है ना रास्ता होता है, अब गवर्नर साहब अपनी 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 जो है ना कोशिशों से, अपनी सलाहियतों से किस हद तक जो है वो कराची को जो है दोबारा से रोशनियों का शहर बनाने में, और फिर हमारी पार्टी का, हमारे लोगों का, बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे लापता साथी है, कारकुनान है, बहुत सारे लोग असीर हैं जो बिगड़ा जेलों में हैं, तो उन सब के लिए मैं चाहता हूं कि रिलीफ हो। तो ठीक है, मैं ये समझता हूं कि कोई भी आ जाए, आप मैंने शुरू में कहा ना कि इस मुल्क में हर कुछ हो सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनहोनी चीज नहीं है, पार्टी का फैसला है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन महबूब साहब, आपको नहीं लगता कि जिस कराची की आप बात करें, जिस मुत्तहिदा कॉमेंट का आप तस्करा कर रहे हैं, कामरान तिवारी साहब अगर मुत्तहिदा कॉमेंट के कारकुन होते, वर्कर होते, और एक सालों मुहित उनका एक सिलसिला होता मुत्तहिदा कॉमेंट के साथ, तो शायद मामला अलग होते, और मुत्तहिदा कॉमेंट में इस वक्त भी बड़े सारे ऐसे नाम मौजूद हैं, ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो आम आवाम समेत मुत्तहिदा कॉमेंट की पूरी क्यादत के लिए काबिल कबूल भी होते, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कोई सीनियर नाम, कोई ऐसा चेहरा जो मुत्तहिदा कॉमेंट के सर्कल में वाबस्ता होता, वाकिफ होता, वो अगर इस ओहदे के ऊपर फाइज होता तो शायद बेहतर सूरत हाल होती, मुत्तहिदा कॉमेंट के दर्द जितने हैं, जो तकालीफ है, उनका मुकदमा बेहतर अंदाज में पेश कर सकता। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में वजन है और ये सारी चीजें हैं, और मैं आपके पास इत्तफाक करता हूँ, लेकिन कामरान तिवारी साहब जो है ना, पहले भी मतलब एमपी में रहे हैं, फिर बीच में जो है ना, आपको पता है 16 वो तो पीएसपी में भी रहे हैं, वो तो फंक्शनल लीग में भी रहे हैं, ये तो दीगर जमातों से भी होते हुए है ना तिवारी साहब तो। जी बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे, लेकिन उसके बाद जब ये एमपी में आए, जब फारूक सत्तार भाई के साथ आए, फिर बादरा पा गए, फिर सीआईबी में रहे, तो वो उसके बाद से जब इन इनको जो है ना बीच में मुअत्तल कर दिया गया था, राबता कमेटी ने जो है ना मतलब फैसले किए, मुअत्तल हो गया ये, तो उसके बाद से इनका करियर ये कि मतलब किसी पार्टी में गए नहीं जी, ये खामोश होकर बैठ गए, घर पे ही रहे, जो सारी चीजें थी वो हुई, तो उसके बाद जो है ना फिर ये देखा सारी चीजें हैं सिचुएशन। लेकिन महबूब साहब, आपको नहीं लगता कि जिस फारूक सत्तार की बेस पे कामरान तिवारी साहब पार्टी में शामिल हुए, आज वही फारूक सत्तार साहब पार्टी में मौजूद नहीं है, बल्कि कामरान तिवारी साहब जिनके हवाले से खुद आपकी पार्टी में इतनी सारी मजामतें थी, आज वो पार्टी उनके गवर्नर होने पे सेलिब्रेट कर रही और उनका नाम दिया जाता है गवर्नर के हवाले से। आप बिल्कुल एग्जैक्टली बात ठीक है आपकी, और ये सारी चीजें हैं, वो सारी सिचुएशन भी आपको पता है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मेरी जाती मतलब फीलिंग्स है, जब ये कामरान तिवारी साहब आए हैं तो कुछ चीजें हैं, कुछ अभाम है या जो भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि जैसे उन्होंने भी बयान दिया है कि मैं फारूक सत्तार भाई ये जो है ना हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, तो राबता कमेटी में बैठ के राबता कमेटी डिसाइड करेगी कि किस तरीके से उनको लेना है, क्या करना है, सारी चीजें। देखिए फारूक सत्तार भाई का भी एक सियासी करियर है, 30-35 साल एक मोहित जो है ना बड़े मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि किसी फॉरम पे जाकर के वो जो है ना पाकिस्तान की और पार्टी की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो मतलब मैं नहीं समझता कि एमपीएम जो है, जो हमारे सीनियर रहनुमा है, जो हमारे सीनियर लोग हैं, राबता कमेटी के लोग हैं, डिप्टी कन्वीनियर हैं, या जो सारे लोग जो फैसले करते हैं, मेरा नहीं ख्याल के देखे ये हमारी कोई जद्दी पुश्ती जंग थोड़ी है, हम देखे कुछ। लेकिन आपका महाजिर वोट भी तो है ना महबूब साहब, जो वोटर है, कराची का वोटर है, जो महाजिर वोटर है, वो तो आपकी सियासत को बहुत बारीकी से देख रहा है। मुत्तहिदा कॉमनवेल्थ 2018 में जो नताइज दिए, तारीख की कम तरीन सीट्स उस वक्त उन नताइज के आने के बाद जीती, जो कि महज 4 रह गई थी, तो ऐसे इकदाम किए जाते हैं जो कि आपके प्रायोरिटी जो आपका वोटर है, महाजिर वोटर है, उसको इंटैक्ट रखा जाता, इस फैसले से कहीं ना कहीं महाजिर वोटर के सेंटिमेंट्स के ऊपर भी असर हुआ होगा। मैं देखिए कुछ चीजें हैं, बिल्कुल कुछ दरारें पड़ी होंगी, मैं नहीं कहता, कुछ लोगों को जो है ना खदशात होंगे, किसी के जो है ना तहफात होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कहना हूँ कि देखिए एमसीएम के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने लोगों के साथ रहना जानते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो है ना जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है या मुत्तहिदा मूवमेंट ने काम किया है,
मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टी को भी आप अगर दिखा दें कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जो है ना काम किया तो आप मुझे बताएं। दूसरी बात है कि देखिए सर, बात यह है मनीष साहब कि ये जो आज हमें जो है ना मतलब डिस्टर्ब किया गया या पार्टी के हवाले से जो भी है, आपको पता है कि कौन कितने मौर्य साहब से कौन क्या चीजें हैं, तो आज हमारी मतलब है कि घर की सीटों को छीना गया है ना। अगर 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 हम कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जमहूरी लोग हैं, इस मुल्क में जमहूरियत को चाहते हैं, तो सर एमक्यूएम से बड़ा कोई जमहूरी अमल करने वाला नहीं है। एमक्यूएम से बड़ा कोई महाजनों का या तमाम मजलूमों का या गरीबों का हमदर्द नहीं है। इस मुल्क के वफादार लोग हैं हम, इस शहर के वफादार लोग हैं सर। हमें जब जब इख्तियारात मिले, बड़े थोड़े मिले कम मिले, हमने उस चीज को लोगों तक पहुंचाई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए सर, बात यह है कि अब अगर एमक्यूएम के बारे में, एमक्यूएम के उसमें अगर ठीक है, कुछ चीजें होंगी मेरे अंदर खामियां होंगी, गलतियां होंगी, बिल्कुल उसको दुरुस्त करना चाहिए और करेंगे इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि सर अगर ये पार्टी जमहूरी पार्टी नहीं होती तो आप ये, मैं तो थोड़ी सी एक बात करूंगा कि फिर अजीजाबाद से जो है ना, फिर वो आपको पता है कि किनको सीटें मिली थी और उन्होंने क्या किया। भाई जमहूरी पार्टी तो हम है ना, हमने सिर्फ नाम नहीं लिया जमहूरियत के, लिबादा और के करप्शन नहीं की हमने, इस मुल्क को नहीं लूटा, इनके हमने तो जमहूरियत की बात की है तो उस पर अमल पैरा हुए, इस शहर को हमने रोशनियों का शहर बनाया। लेकिन अब सर आपको पता है कि ये शहर कितना वस्त मतलब उसमें चला गया है, और ये साहब आपको सारी चीजों का इल्म है, बिल्कुल ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब भी आप देखे ना, आज गवर्नर साहब की जो है मतलब हल्फ बर्दारी के बाद आज सुबह कायद आजम को मजार गए, उसके बाद शाम को ये 6-7 बजे जाना शोदा कब्रस्तान जाना, मतलब कोई मैसेज है ना कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुत्तहिदा कौम के वो जो कारकुन है, जो हार्ड कोर आपका जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं जो फील कर रहा है उसकी महरूमियों को दूर करने के लिए कामरान टिशोरी साहब इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सर करेंगे, मुझे देखिए उम्मीद है, उम्मीद तो दुनिया कायम है और उनको करना चाहिए। पहला स्टेप उनका जो है वो आज शोधा कब्रस्तान 8 साल से बंद है, लेकिन आज जो है ना शोधा कब्रस्तान में सफाई सुथराई सारी चीजें आप देखें कि वो मेरे ख्याल से 6-7 बजे जाएंगे वहां पे शोधा कब्रस्तान पे। तो इट्स मीन के एक मैसेज है, जो पुराने लोग हैं, जो लोग जिन्हों के दिलों में खदशात थी या जो भी था जिस चीज हुई थी, तो आज मैं ये समझता हूँ कि वो चीजें जो है ना परवान होंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंशाल्लाह ताला इस शहर में पार्टी में बेहतरी आएगी और जो हमारे लोग हैं, जो बेचारे महरूम हैं, जो कारकुनान हैं, जो लापता हैं, जो असीर हैं, तो उनमें जो है ना बेहतरियां होंगी इंशाल्लाह। महबूब साहब, एक अहम मसला ये भी आ रहा है कि 2018 के इंतखाबात से पहले पार्टी बहुत सारे मामलात का शिकार थी, टूट फूट भी हुई, मुख्तलिफ धड़ेबंदियां भी नजर आई। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कामरान टिशोरी साहब को एक टास्क दिया गया है कि मुत्तहिदा कौम के जितने भी सेगमेंट्स हैं इस वक्त, उनको यकजा किया जाए, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए। क्या ये होता हुआ भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि मुत्तहिदा कौम के जितने भी धड़े हैं एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हुए दिखाई दे और पतंग के निशान पे एक बार फिर से इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे? बिल्कुल सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पूरे शहर की ख्वाहिश है, ये पूरे बिजनेसमैनों की ख्वाहिश है, ये ताजर बिरादरों की ख्वाहिश है, ये पढ़े लिखे लोगों की ख्वाहिश है, ये 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 जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन है। देखिए बात ये कि 30 साल से मेरा घर बना हुआ है सर, मेरा घर बना हुआ है 30 साल से, उसको आप तोड़ फोड़ करेंगे, उसको जो है ना टूट फूट का शिकार होगा तो मुझे भी दर्द होगा, मेरे गली मोहल्ले वालों को भी दर्द होगा। तो इसी तरीके से ये शहर हमारा है, ये पार्टी हमारी है, अगर ये टूट फूट, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी कोई जद्दी पुश्ती जंग नहीं है, हमारी जो है वो देखे बैठ के बहुत सारी चीजें टेबल पे हल हो जाती हैं और होंगी। और ये मैं कह रहा हूँ कि मैं एक कारकुन की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि एक बच्चे से भी पूछेंगे और एक पढ़े लिखे लोगों से, एक 5 साल या 50 साल के बुजुर्ग से भी पूछेंगे, तो कुछ भी हो खामियां जो भी हो दिस डेट, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वन एजेंडा प्रोग्राम यही होगा कराची के लोगों का कि तमाम लोग एक हो जाए, चाहे जो भी हो एक हो जाए इस कौम के लिए। बशमूल पीएसपी मुस्तफा कमाल साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज विश उनको आना चाहिए, बिल्कुल आए, उनके अपने जो भी आए बिल्कुल आए, मुझे कोई मना नहीं है। लेकिन देखिए बात ये कि आपकी तरफ से दावत जाने का आप लोग को लगता है कि कोशिश की जाएगी कि पीएसपी के जो सेगमेंट है पीएसपी का उसको भी शामिल करने की कोशिश की जाए? भाई देखिए ना, बिल्कुल देखिए, एमक्यूएम के एक प्लेटफॉर्म है,
और ये बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, इस प्लेटफॉर्म को तो टुकड़ों में बांटा गया है, लेकिन आज भी लोग एमक्यूएम के साथ हैं, एमक्यूएम के पतंग के साथ हैं, एमक्यूएम के झंडों के साथ हैं, लेकिन अब जब ये सारी कुतें मिलेंगी, जब ये सारे लोग मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक इत्तेहाद पैदा होगा, एक कुत पैदा होगी, एक ताकत पैदा होगा, जो जो आपकी बात को हर फोरम पे मानी जाएगी, सुनी जाएगी। आज तो सर आप टुकड़ियों में बढ़ गए तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। तो महबूब साहब, अब अगर मैं सिनेरियो देखूं, एक जानब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने वोटर्स को लूज किया, कहीं ना कहीं माजी में जो कुछ गलतियां हुई, जहां भी कोताहियां हुई, और हमने देखा कि NE 245 के जो आखिरी इंतखाबात हुए कराची में, इसमें मोहित अनवर साहब बामुकाबला महमूद मौलवी साहब थे, तो एक वाजे बदतरी दिखाई दी महमूद मौलवी साहब को। अब जो सूरत हाल जिस तरीके से बनती दिखाई दे रही है, क्या ये समझा जाए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अवामी पहलू के ऊपर भी काम करेगी, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। आज कामरान टिशोरी साहब की गवर्नर नामजदगी के बाद से आम आवाम की तरफ से भी एक रद्देमल आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि लोग सवालात उठा रहे हैं, कुछ नाराज भी हैं और कुछ तासुर भी है, उसको जाहिर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। देखिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो नाराजगी का इजहार भी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा खुश भी हो रहे। देखिए बात ये कि मेरा और आपका मकसद क्या है कि यार इस शहर में अमन हो, इस शहर में जो है ना बिजनेस हो, सुकून हो, अमन आशती का पैगाम हो, आपकी गलियां, सड़कें, मोहल्ले, सारी चीजें आपके घर के पास अवेलेबल हो। तो मुझे ये बताया ना कि जब ये MQM इससे पहले थी 2005 से 10 तक, तो इसी शहर को रोशनी का शहर बनाया ना, आज खंडर किसने बनाया? आप अगर हमारी इख्तियारात को सल्व करेंगे, आज अगर मैं सारी चीजें अपने मुट्ठी में रखूं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी आपकी वो सलाहियतें हैं, उसको मैं सर, लेकिन उस जमात के साथ तो आज भी आप इत्तेहाद में ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके वफाक में इत्तेहादी है। देखे बिल्कुल इत्तेहादी है, लेकिन देखे मैं ना मानू, अगर किसी शख्स ने ये तय कर लिया है कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, तो सर हमने तो हर फोरम पे खटखटाया ना, हम तो अदालत भी देखे, पीपल्स पार्टी के तो मंशूरी में नहीं है ना कि वो इलेक्शन कराए या बल्दियात के इलेक्शन करे। आप इनका माजी उठा के देख ले, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग हैं वो इनको सूट करता है सर। बात ये कि MQM के कहने पे तो इलेक्शन हुए था ना 2015 में, जो वसीम भाई मेयर थे जी, तो भाई आज अदालतों के जब डंडे चले तो आपने इलेक्शन कराया, तो ये तो हर उस हद तक जाएंगे कि जैसे मतलब है कि बस इलेक्शन मुलतवी होता रहते सर। अभी आप देखे ना 3 से 4 दफा इलेक्शन मुलतवी है, क्यों? इसलिए कि वो आपको इख्तियार देना नहीं चाहते। अगर इख्तियार देंगे तो ये MQM है सर। मैं कहता हूँ कि दिन रात लग करके इनके कारकुनान, इनके जिम्मेदारान, इनके रहनुमा लग कर इस शहर को चमका देंगे, तो उन्हें खतरा यही है ना। तो महबूब साहब, ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जमातों ने इस बात को महसूस किया कि MQM के हवाले से काफी सारी महरूमियां हैं, काफी सारे शिकवे शिकायत हैं, तो उसको दूर करने के लिए गवर्नर भी दिया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, गवर्नर साहब जो है वो सूबे में और वफाक भी है, पुल का किरदार अदा करेंगे और इनको करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक सवाल महबूब साहब, कामरान टिशोरी साहब की गवर्नर तैनाती पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जहां खुशी दीदनी थी, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी उनके गवर्नर बनने में बहुत ज्यादा खुश है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजायर कामरान टिशोरी साहब हैं तो आपकी जमात के, लेकिन गवर्नर का फैसला पीपल्स पार्टी ने किया? बात ये सर के अब बहुत सारी चीजें उनके उनके देखे ना, अभी उन्होंने अभी हल्फ ही है, इंशाल्लाह ताला चीजें क्लियर हो जाएंगी जब वो इस शहर के लिए, जब इस सूबे के लिए काम करेंगे, जब वो उनके उनके अमल से, उनकी सलाहियतों से जब ये शहर जो है ना मालामाल होगा, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि कराची और कराची समेत सिंध के जितने भी शहर हैं, जितने भी इलाके हैं, मौजूदा जो सेटअप है उसके तहत फलते फूलते नजर आए, जो महरूमियां हैं जिन इलाकों की, वो महरूमियां दूर होती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब आलम साहब, आपने वक्त दिया। और महबूब आलम साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान के सीनियर वर्कर हैं, साबिक MNA भी रहे हैं, और साथ में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कराची समेत, हैदराबाद समेत सिंध के बाकी सारे जो शहर हैं, वहां उनकी तकदीर कब बदलेगी, एक बड़ा सवाल है। जहां पे कामरान टिशोरी साहब के हवाले से जो गवर्नर तैनाती का जो फैसला हुआ, काफी ज्यादा बड़ी तादाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक धड़े में खुशियां मनाई गई, तो दूसरा धड़ा इस बात को लेके
कि शशोपंच का शिकार भी है कि आखिर रातों रात इतनी बड़ी तब्दील हुई तो कैसे हुई, और वो कामरान टिशोरी साहब, वो साहब जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनाए हुए थे, जिनको मुअत्तल कर दिया गया, फिर मुअत्तली के बाद उनको फाल करते ही उनको गवर्नर के ओहदे के लिए नामजद करते हुए उनको गवर्नर बना दिया गया, और तमाम तर काम बड़ी राजदारी से हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं सवालात तो उठ रहे हैं, और इन सवालात का जवाब अगर देना है तो कामरान टिशोरी साहब को मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को अपने अमल से देना होगा, कराची को बेहतर बना के देना होगा, सिंध को बेहतर बना के देना होगा, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, ये तमाम वो इलाके हैं जो बहुत ज्यादा जिसमें काम की जरूरत है, जहां पे बहुत कुछ करने की जरूरत है, वहां पर अगर ये काम किए जाएंगे तो यकीन तौर पर ये सवालात हैं, ये जो गर्द इस वक्त उठी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो सकती है। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जरा आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में मजहब का अंसर या मजहब कार्ड का इस्तेमाल किस तरीके से होता रहा और आज भी हो रहा है, इसके असरात क्या हो सकते हैं और इसके पस मंजर में क्या कुछ चल रहा है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।